गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट कर दी थी। अब अपन ये वाला वीडियो उदाहरणों के साथ शुरू करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ पिछले वीडियो को काम। तो पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कम्प्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 2.4 के। तो अब अपन एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल में है समीकरणों को सरल रूप में बदलना। समीकरण ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये भिन्नों वाले आ जाते हैं, तो उसको सरल रूप में कैसे बदलते हैं ये अपन सीखेंगे। और अगली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है अपनी, वो भी करेंगे। तो जैसे इसको तो अपन देखेंगे नहीं, इसने तो बहुत लंबा चौड़ा कर रखा है कुछ। उदाहरण 16 है जैसे अपने पास। उदाहरण 16 क्या है? 6x+1/3+1=x-3/6। ऐसे अगर अपने पास दो भिन्न आ जाती है, मान लो इसमें अपन को दो भिन्न दिख रही है, मतलब जो हर में है वो दो चीजें हैं, एक तो 3 है एक 6 है, तो इनका लेसअप ले लेंगे जो भिन्न में है। तो क्या आएगा? 3 एकम 3 2 1 1, ठीक है। यह लेसअप ले लिया तो 3 2 6 आ गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से इंटू कर देंगे, दोनों पक्षों को छह से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को छह से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को अपन छह से गुणा कर देंगे, क्योंकि अपना जो लेसे पे था वो 6 आया है। 6x+6x+1/3+1। अब ये ध्यान रखना है कि दोनों पक्षों को अपन गुणा करेंगे, तो ये कोष्टक लगा देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इससे ही गुणा कर दिया, एक को छोड़ दिया, दोनों से करेंगे। मतलब दोनों से करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। ये आ गया अपना, अपन ने 6 से क्यों गुणा किया, ताकि अपने दो जो दो भिन्ने आती है तो उनका लेसअप ले लेते हैं, और जो आता है उससे गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। और कोई भी चीज जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, अगर समीकरण है उसके बराबर के लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ भी होगी और राइट हैंड साइड दाईं तरफ भी होगी। ऐसा नहीं होगा एक तरफ अपन ने कुछ भी कर दिया, जो होगा वो दोनों तरफ होगा, चाहे वो जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, जो होगा वो दोनों तरफ होगा अपने। तो अब देखो, अब इस 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो अंदर वाला सॉल्व करें, चलो एक बार इसको इंटू कर देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे अपन अगले स्टेप में, अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें देखो 6 से 6 कट रहा है, ये 6 ऊपर है, 6 नीचे है, ये अंश में इंटू हो रहा है, ये हर में है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बच रहा है? x-3। अब इसको खोलेंगे अपन, इसको, इस ब्रैकेट को, तो 6, तो पहले तो 6x+1/3 से गुणा होगा, प्लस इस 6 1 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा बराबर x-3। सबको समझ में आया? अपन ने ब्रैकेट खोला तो पहले अपन ने इससे इंटू किया 6 को, 6 इससे इंटू हो गया, प्लस ये 6 1 से इंटू हो गया तो 6 हो गया। अब इस 6 को दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, 6 को दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर 6 प्लस का है तो माइनस में जाएगा, तो 6x+1/3 = x-6। और माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, 6 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, x-9 आ गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, खोलेंगे नहीं इस ब्रैकेट को, ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 से काट दिया इसको, इसको 3 से काट दिया, 2 6x+1 = x-9, 6 दूनी, इसको ब्रैकेट को खोला, 6 दूनी 12x+2 एकम 2 = x-9। एक्स का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर एक्स प्लस का इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, और इस 2 को अपन दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर रहे हैं, ये -9 है, 2 को दाएं पक्ष में कर दिया तो -2, प्लस का था माइनस में चला गया, दो स्टेप साथ लिख दिए, मतलब इस एक्स को बाएं तरफ कर दिया और 2 को दाएं तरफ कर दिया, एक्स प्लस में था इधर गया माइनस में आ गया, 2 भी प्लस में था इधर गया माइनस में आ गया, तो 12x-x 11x = -9, 2 11 होते हैं तो -11x = 11 को दाई पक्ष में पक्षांतरण करने पर 11 गुणा में था, भाग में चला जाएगा, -11/11, 11 एकम 11, +-, तो x बराबर अपना आ गया है -1, x = -1 आ गया। एक बार वापस देखेंगे सब बच्चे कि दोनों पक्षों को 6 से गुणा कर दिया, एलसीएम निकाला, लेसअप निकाला, 6 आया, दोनों पक्षों को 6 से गुणा कर दिया। अब कई बच्चे मेरे को पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे 6 को 3 से काट दिया था, यहाँ क्यों नहीं काटा,
यहाँ अपन नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस एक जो है ना ये काटने नहीं देगा। या तो आप इनको लेस से पहले के सॉल्व करो, नीचे जब पूरा 3 आ जाए ना तब 6 से काटो। ऐसा नहीं हो कि प्लस में एक है तो भी काट रहे हैं। 3 पूरे मतलब 3 सबका होना चाहिए। जो ब्रैकेट के बाहर की चीज से मतलब करेगा, जैसे गुणा भी हो भाग भी हो, जो ब्रैकेट के बाहर की चीज से करेगा वो सबका होना चाहिए इनका। ऐसा नहीं 6x+1 का, तो एक के पास तो 3 है ही नहीं, तो ये कैसे काट देंगे अपन। तो इसमें क्या किया अपन ने, पहले तो 6 से 6 काट दिया क्योंकि ये x और 3 दोनों का था, जो भी ब्रैकेट के अंदर है ये सबका है, 6, इसलिए इसको काट दिया। x-3 बचा, ऐसा का ऐसा ही उतार दिया था। फिर क्या किया था, अब इस 6 को, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो 6 पहले तो इससे इंटू हो गया, प्लस 6 × 1 6 हो गया बराबर x-3। अब क्या किया, इस 6 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दिया, ये ऐसा का ऐसा आ गया x-3, और प्लस का 6 था माइनस का 6 चला गया, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9 हो गए, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आ गया, और इसको ऐसा का ऐसा उतार दिया। 3 से 6 कैंसिल किया, 3 × 1 3 बार चला गया, और 2 × 1 3 × 2 6 बार चला गया, 2 6x+1 बराबर x-9 आ गया। इस ब्रैकेट को खोला, 6 × 2 12x+ 2 × 1 2 बराबर x-9 12x-x। इस x को तो बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दिया और 2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दिया, दोनों प्लस के थे तो इधर उधर हुए तो माइनस के हो गए, और 12x-x 11x आ गया, 9 और 2 11 हो गए, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस आ गया, x = -11/11, 11 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दिया और x = 11 × 11 +-1 आ गया। ठीक है, ये उदाहरण किया अपन ने। इसमें उत्तर की जांच भी दी हुई है, आप देखोगे किताब में तो अपन को उत्तर की जांच भी दी हुई है। उत्तर की जांच सबको करनी आती है कि जो x = -1 आया इसको अपन प्रश्न में डाल देंगे, जहां जहां x है वहां वहां दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, मतलब अपना उत्तर सही है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगी उत्तर की जांच, जिसको करनी है वो खुद कर ले। ठीक है, अपन ने कर दिया, अब अपन करेंगे उदाहरण 17। उदाहरण 17 क्या है, 5x-2 2x-7, 5x-2 ब्रैकेट में 2x-7 बराबर, किताब में देखेंगे सब, उदाहरण उतार रही हूँ, खाली प्रश्न उतार रही हूँ, 3x-1+7/2 ये है, ये प्रश्न है अपने पास, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक पहले क्या करेंगे, जहां ब्रैकेट दिखे ना वहां ब्रैकेट खोलना चाहिए। अब इसमें ये 7/2 की है, ब्रैकेट वाली में किसी के भी भिन्न नहीं है, जो भी ब्रैकेट में है वो कोई भिन्न नहीं है, ये अलग ही है भिन्न। तो पहले ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 5x-2 × 4x +-, 2 × 4x +-, अब 7 × 14 -, प्लस बराबर, 3 × 6x -2 × 1 -2 ± -2 × 2 +7/2 यह आ गया अपने पास। अब ये 5x-4x लिखा हुआ है तो x हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं, x के साथ है, x + 14 बराबर 6x-2 + 7/2। इस 7/2 को एक बार छेड़ेंगे ही नहीं अपन, इसको ऐसा ही पड़ा रहने देंगे। ठीक है, तो ये x 6x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, 6x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर ये प्लस का था माइनस में जाएगा, x-6x+14 बराबर -2 + 7/2। x-6x 1 में से 6 गया 5, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस आ गया, -5x+14 बराबर -2 + 7/2। अब क्या करेंगे, अब इस 14 को इधर कर देंगे, तो 14 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 14 किसका था, 14 आपने प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का चला जाएगा, +7/2 -5x बराबर -, +14 और 2 16, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लग गया 7/2। अब क्या करेंगे, अभी 16 को एक बार इधर देखो, 16 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करके देखो, 16 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो -5x 16 माइनस का तो प्लस में चला जाएगा। अभी जुड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि एक तो चर है एक अचर है, तो ये जुड़ेंगे तो नहीं अपने, तो इस 2 को इधर पक्षांतरण करें अपन, तो अब ये सीधा हो जाएगा, आप कोई मतलब अपन को लेस पे मैसे पे लेने की जरूरत नहीं है, सीधा चला जाएगा। 2 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 2 भाग में था, गुणा में जाएगा तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, गुणा हो रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा हो रहा है सबसे जो भी है। तो 5 × 2 = 10x ब्रैकेट खोल दिया, माइनस का +, का +16 × 32 +++ बराबर 7। ठीक है, अब इस 10x को 32 को इधर भेजेंगे, 32 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर -10x बराबर 7 - 32। ठीक है, 32 में से 7 गए कितने आए, 32 में से 7 गए 25, अब बड़ी संख्या माइनस की, माइनस बराबर -10x, x बराबर -25/-10, -10 को
दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर गुणा में या भाग में चला जाएगा। x बराबर माइनस से तो माइनस कैंसिल, और 5 से इसको काटे तो 25, 5 दुनी 10, 5 बटा 2, तो x बराबर अपना आ गया है 5/2। ठीक है, बुक में इसकी भी जांच की हुई है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। इस 5/2 को उठा के प्रश्न में जहां जहां x है वहां डाल देंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएगी और उत्तर की जांच हो जाएगी। 5x माइनस, देखो क्या किया, पहले तो ब्रैकेट खोल दिए, फिर सॉल्व कर दिया, फिर 7/2 को छेड़ा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर इधर उधर करके ये निकाल लिया और फिर 2 को इधर भेज दिया, 2 इंटू में चला गया, भाग में था तो बराबर 7 था ही, फिर ब्रैकेट खोल दिया और फिर ये x बराबर 5/2 निकाल दिया, ऐसे किया है अपन ने। अब अपन प्रश्नावली चालू करेंगे अपनी। प्रश्नावली कौन सी, 2.5। प्रश्नावली 2.5 अपन स्टार्ट करेंगे अब। प्रश्नावली 2.5 का सब में प्रश्न क्या है, निम्न रेखीय समीकरणों को हल कीजिए, मतलब जो भी अपने पास ये चार है इसको निकालना है अपन को, एक्स एन जो भी इनको निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में देखेंगे सब प्रश्न उतार रही हूँ। एक्स बटा 2 माइनस 1/5 बराबर एक्स बटा 3 प्लस 1/4, ये अपने पास प्रश्न है, ये अपने पास प्रश्न है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे चारों का ही, इनका एलसीएम ले लेंगे चारों का। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर देवे एलसीएम लेके भिन्नों का घटाव से, और इसको भिन्नों की जोड़ से, पहले इनको हल कर देवे फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम अपने आगे आएगा, अभी तक आया नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणन करना हम आगे सीखेंगे, तो वज्र गुणन हमने सीखा नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे इन चारों का एलसीएम लेंगे, चारों का लेसएफ लेंगे, क्या आएगा, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 2, 2, 1, 5, 3, 1, 3, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 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
पांच तिया 15 दुनी 30 दुनी 60 हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, लिखना है सबको ऊपर, किसी को छोड़ना नहीं है इसको, दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर, नहीं तो जब आप वापस देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या किया हुआ है, इसलिए लिख देना ऊपर दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर। x बटा 3 प्लस 1 बटा 4, गुणा किया है मतलब ब्रैकेट के बाहर लगा दो और कुछ नहीं है। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, 60x बटा 2। अब जो भिन्न होती है उसमें अपन किसी वैल्यू को गुणा करते हैं तो अंश में ही गुणा होगी, हर में तो होगी नहीं, अंश में गुणा हो गई। तो 60 इंटू एक्स 60x बटा 2 माइनस, ये माइनस है, 60 बटा 5, 60 एकम 60 हो गया। हर नहीं, हर को नहीं छेड़ा जाता, जब अंश में मतलब अंश में ही संख्या है, जैसे इसमें अंश में ही संख्या है, ये 60 बटा 1 है, तो 1 को तो किसी से भी गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर को हर से गुणा करते हैं, अंश को अंश से करते हैं, इसमें हर में 1 है तो इसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो 60x बटा 3 प्लस 60 बटा 4। अब देखो अभी जो नीचे वाले हैं ये सब कट जाएंगे, अभी 2 ये कितनी बार में जाएगा, 2 3 6 0x 30x, ठीक है, 60 बटा 2 30x का x, माइनस 60 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दून 10 12 5 60, तो ये 12 आ गया, कट गया, 3 दूनी 6 0 20x प्लस ये 60 बटा 3 20 आ गया और x का x रह गया, 4 एकम 4, 4 5 20 15 चौके 60, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब तो एकदम इजी हो गया, इस 20x का पक्षांतरण कर देंगे बाएं पक्ष में, 30x माइनस 20x बराबर 15, प्लस का 20x था इधर गया माइनस का हो गया, 30 में से 20 गए 10, x माइनस 12 बटा 15 बराबर 15, और इस 12 को किस में, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 10x बराबर 15 प्लस 12, ठीक है, तो 10x बराबर 15 प्लस 12 27, x बराबर 27 बटा 10। उत्तर की जांच करने के लिए अपन को कहाँ नहीं है तो वो तो अपन करेंगे नहीं, ये क्वेश्चन हो गया है अपना। क्या किया, लैसे पे निकाल के 60 से इंटू कर दिया, खोल दिया, फिर इसको भाग दे दिए सब में जो आया उसको इधर उधर करके आंसर निकाल दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है एन बटा 2 माइनस 3 एन बटा 4 प्लस 5 एन बटा 6 बराबर 21। बुक से क्वेश्चन उतारा है और कुछ नहीं किया है, देख लेना, बुक से क्वेश्चन उतारा है, दूसरा प्रश्न ये है। तो इनका क्या करेंगे, 2 4 6 का ले लेंगे, लेस अप है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 1 3, 3 में जाता नहीं है, 1 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12,
मुझे लग रहा है आप सबको एलसीएम लेना आता है, क्योंकि अपन ने मतलब छोटी क्लास में पढ़ लिया लेस से पे लेना, भिन्नों की जोड़ करना, भिन्नों का घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, ये सब हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया है, और लेस से पे मेस से पे तो बहुत पहले पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये बार आ गया, तो बारह आ गया, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर, सॉरी ये गलती हो गया, दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर लिख देंगे। फिर दोनों पक्षों को 12 से गुणा कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 12 × 21, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, 12n/2, ये 12 है तो ये सब में अंश में गुणा हो जाएगा, माइनस 12 × 36n/4 प्लस 12 × 5 60n बराबर 5 60n/6 बराबर 12 × 21 करेंगे, 12 × 21, 12 × 1 12, पार्दन 24 और 1 25, 252, ठीक है, 12 × 21 कर दिया, 252 आ गया। अब देखो, 2 × 6 12 एन का एन माइनस 4 × 32 4 × 9 36 4 × 9 36 9 एन का एन प्लस 6 60/6 10 6 × 6 0 एन का एन बराबर 252, इसको कर देंगे। तो पहले पहले क्या करेंगे, 6n - 9n, तो माइनस 9 में 6 गया 3, बड़ी संख्या किसकी है, 9 है माइनस की है, तो प्लस 10n बराबर 252, 10n माइनस माइनस 3n प्लस 10n, तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया 7, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, बराबर 252। ये 7 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, गुणा में था भाग में जाएगा, n बराबर 7 × 14 7 21 और 7 × 6 42, n बराबर 36 आ गया है। क्या किया, लेस से पे निकाल के दोनों तरफ गुणा कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करेंगे अब अपन, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, लेस से पे निकाल के दोनों तरफ गुणा करके, ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट को खोल के और इधर उधर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर जो भी दिया हुआ है अपन को उसकी वैल्यू निकालनी है। अब फटाफट करेंगे अपन, x+7 - 8x/3, किताब से क्वेश्चन उतार रही हूँ और कुछ नहीं है ये। x+7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2, उत्तर की जांच करने के लिए नहीं कहा है तो नहीं करनी है। अब क्या है, 3 6 2 का ले लेंगे एलसीएम, 3 6 2 है इसमें पास अपने हर में, तो 2 3 3 1, 2 3 6 2 1 2, 3 1 1 1, 2 × 3 = 6 आ रहा है, ठीक है। दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, अब फटाफट करेंगे अपन, 6 17/6 - 5x/2, ठीक है, 6x+7 × 42 माइनस 6 × 8x/3 बराबर 6 × 17/6 - 6 × 5 = 30x/2, ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब 6x+42, तो 3 × 3 3 × 6 से काट दिया, तो 8 × 16x बच गए, ठीक है, 3 × 3 3 × 6 8 × 16x का x बराबर, ये 6 से 6 कैंसिल, बचे क्या, 17 बच गए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस ये 2 × 2 2 × 5 = 10 15x का x, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 6x - 16x, ये x x वाले हैं, ये पहले मर जाएंगे, तो 6x - 16x, तो 16 में से 6 गया 10x, प्लस माइनस 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 कर दिया, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, प्लस 42 बराबर 17 - 15x, 15x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, माइनस का है प्लस का आ जाएगा इधर, प्लस 42 बराबर 17, 15x में से 10x गया 5x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 गया 5, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आ गया, 5x बराबर इस 42 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, प्लस का है माइनस का जाएगा, 5x बराबर प्लस माइनस माइनस, 42 में से 17 गए, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2 माइनस के पर, माइनस के 25, बड़ी संख्या माइनस की है, एक्स बराबर -25/5, गुणा में था भाग में जाएगा, 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, एक्स 5 × 5 = 25, एक्स बराबर -5 हो गया। चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करेंगे आज अपन, x-5/3 बराबर x-3/5, 5 और 3 का ले लेंगे एलएसएफ है, 5 × 5 = 3, 1 × 3 एक ही बात है, 5 × 3 = 15 आ जाएगा, 5 × 3 = 15 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, x-5/3 15 x-3/5, ठीक है। अब ये सीधा कटेंगे, ये जो 3 है ये इन दोनों का है, इसमें क्या है, ये सबके अलग अलग है, जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया था तो इसमें ये सब अलग अलग है, ये सब एक नहीं है, इसलिए इसको खोलना पड़ा, पर इसमें क्या है, ये 3 सबका है तो सीधा कट जाएगा, ये 3 × 5 = 15 और ये 5 भी दोनों का है तो 5 × 3 = 15,
तो ये 5 ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 5 बराबर 3, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 3, एकदम इजी है, 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 3 या 9। ठीक है, इस 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 5x माइनस 3x, क्योंकि प्लस का था इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -25 = -9। ठीक है, 5x में से 3x गया, 2x माइनस 25 बराबर -9, 2x बराबर -25 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर माइनस का था प्लस का जाएगा, 25 में से 9 गया 16, मतलब माइनस प्लस माइनस, 25 में से 9 गया 16 और ये प्लस बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस आ जाएगा, 2x बराबर 16, तो x बराबर 16/2, ये 2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर x बराबर 8, 2 8 16 हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कंप्लीटेड, पांचवा क्वेश्चन लास्ट। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3t-2/4 -2t+3/3 = 2/3 - t। कुछ नहीं किया है, प्रश्न उतारा है खाली। क्या है, 4 3 3 है, 4 3 3 का LCM ले लेंगे, 2 2 4 3 3 SI, 2 1 2 3 3 SI, 3 1 3 3 3 हो गए, सब 3 हो गए, 2 × 2 × 3, 3 2 6 6 2 12, दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर, 12 ब्रैकेट के अंदर डाल दो बाकी जो है उसको, -2t+3/3 = 12, 2/3 - t। ठीक है, अब खोल देंगे क्योंकि ये अलग अलग है सब, तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 12 × 3t-2/4 - 2t+3/3 = 12 × 24/3 - 12t। आ गया सबको समझ में, अब 4 3 12, 4 3 12 काट दिया, 3 3t-2 - 3 4 12 काट दिया, 4 2t+3 = 3 3 8 24 - 12t। अब इन ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 3 9t - 3 2 6 - 4 2 8t और -4 3 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 8 - 12t। अब पहले 9t-8t करेंगे, 9t-8t टी हो जाएगा, 9 में से 8 गया, 1 t का t, और -12 - 6 तो प्लस हो जाएगा, 12 6 18, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, बराबर 8 - 12t। 12t को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ठीक है, 12t को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर माइनस का है प्लस का आ जाएगा इधर, बराबर 8, इस -18 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर माइनस का है प्लस का आ जाएगा इधर, टी प्लस ये 13t हो जाएगा, 12 1 13 t का t, 18 8 26, टी बराबर 26/13, 13 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर गुणा में भाग में जाएगा, t = 2, 13 2 26 हो गया। आज अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए, अगले जो 5 क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में कर लेंगे, अगले 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे और एक्सरसाइज प्रश्नावली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सबको करना है, ये सबको काम अपनी नोटबुक में करना है, एक तो उदाहरण 16, उदाहरण 17 और 2.5 के 5 क्वेश्चन आज हो जाने चाहिए सबकी नोटबुक में। बाय।